बहुत हुआ दोस्त दोस्त के मेरे सिर पे बैठ के नाचने लगी मेरी दोस्त। ब्रांडेड हूँ मैं ब्रांडेड, और मुझे चैलेंज देती है ऐसी अनब्रांडेड औरतें, कहाँ से आती है पता नहीं, क्या समझती है खुद को, सर्टिफिकेट मिल गया है तो सर्किट हो गई है, आज तो उसको दिखना ही पड़ेगा। किसको क्या दिखाना है? सुमित रखो कि मैं कितना अच्छा मेकअप कर सकती हूँ। तू और मेकअप करेगी? देखिए भले मैं अपने चेहरे के ऊपर मेकअप नहीं करती, पर मुझे बहुत अच्छा मेकअप है, ऐसा खुद मधुरा ने कहा था, और मैंने मधुरा का 3 दिन का फ्री का कोर्स किया है, उसमें मुझे सर्टिफिकेट मिला था, सर्टिफिकेट। अच्छा? मधुरा ने यह भी कहा था तीनों में से सबसे बेस्ट मेकअप मेरा ही है, और ये भी कहती थी कि आप बहुत अच्छा सीख रही हो, जल्दी जल्दी सीख रही हो। अभी इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बोल रही है तो जरूर मुझ में कुछ बात होगी ना। काहे की बड़ी मेकअप आर्टिस्ट लोगों के आइब्रो उड़ा देती है? सासुमा उस समय गलती आपकी थी। बन बन तू बस चमची बन, घर में ससुर की बाहर मधुरा की। नहीं नहीं इसको हराना ही पड़ेगा, ऐसे हराऊंगी ऐसे मुंह के बल गिरेगी ना ये मेकअप के कंपटीशन में, फिर कहेगी ओ नहीं तुमको अच्छा मेकअप आता है, मुझसे भी अच्छा मेकअप आता है। अरे आता ही है मुझे अच्छा मेकअप, क्या ही होता है मेकअप में, पहले लगाओ फाउंडेशन उसके ऊपर कंसीलर, नहीं पहले कंसीलर लगता है फिर फाउंडेशन ना, ले खुद को ही नहीं पता चल गया मेकअप कॉम्पिटिशन करने, क्या लगता है पहले वॉट अप्लाई फर्स्ट, हेलो गूगल हेलो, अरे इसका भी वाईफाई भी जाना था क्या, वाईफाई का बैलेंस नहीं है सोशा, मुझे पता पहले फाउंडेशन होता है उसके बाद कंसीलर लगाता है, जो भी लगाना हो वहां पे कौन देखने वाला है इतना। बस सुमित्रा ये जो तेरा ब्रांडेड है ना उसकी बैंड नहीं बजनी चाहिए, तू ब्रांडेड है थी और हमेशा रहेगी, तुझे कोई नहीं हरा सकता, मेकअप के कंपटीशन में मैं ही बाजी मारूंगी। अच्छा सुने मैं नीचे जा रही हूँ सोसाइटी हॉल में, मेरा और सुमित्रा का मेकअप का कंपटीशन होने वाला है, देखते हैं कौन मारता है बाजी, अगर आप मेरे साथ हो तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग शर्मिला लिख देना, अगर आप मेरे साथ हो तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग सुमित्रा लिख देना। आ बहन देखते हैं किसमें है कितना दाम, देखते देखते घोड़े में दंजे वाले से क्या। वैसे बहू पहली बार अपनी चेहरे पे मेकअप लगाने वाली है, कैसी दिखेगी जाके देखना पड़ेगा, मजा तो आएगा भाई साहब। एक काम करती हूँ जोया डार्लिंग मिस ब्यूटीफुल दोनों को लेके जाती हूँ, चली गई लगता है दोनों नीचे। क्या हुआ श्रेया की दादी, क्या हुआ श्रेया की दादी, रुको रुको मैं आती हूँ। पूरी बाबा संभल के, लगा तो नहीं आपको? मैं ठीक ठीक। श्रेया की दादी ऐसा भागने की क्या जरूरत है, उम्र हो गई आपके। खबरदार मेरी क्या उम्र हो गई क्या मिस ब्यूटीफुल, वो तो ये सीढ़ियां ही खराब है, फिसलन फिसलन जाती है। अच्छा सुनो ना, मेरी बहू और वो चूही दोनों मेकअप का कंपटीशन कर रही है। अच्छा मेरे दिमाग में बहुत अच्छा प्लान है। क्या? कैसे लगा? ठीक है चलते हैं। चलो फिर। मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा पति ब्रांडेड, मेरा बेटा ब्रांडेड, सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। तू फेक तेरी बेटी, फेक तेरा पति, फेक तेरा बेटा, फेक तेरी सास है ने। हम अभी आ चुके हैं मेकअप के कंपटीशन में, एक तरफ है हमारे पड़ोस वाली आंटी और दूसरी तरफ है मेरी मम्मी, हम कंपटीशन तो कर रहे हैं मेकअप का, पर इस कंपटीशन को जज कौन करेगा? आगो भाई इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। जजेस की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सासुमा तुम दोनों मैनर्स लेसन का मेकअप कंपटीशन जज करेंगी, सोसाइटी की सुंदरिया पहली सुंदरी शर्वरी।
करेंगी मेकअप का कंपटीशन। ये दोनों और जज वैसे अच्छा है, इनको काफी एक्सपीरियंस है। हाँ वैसे बात तो बराबर है यार, 4 किलो मेकअप लेके चलती है। और इस मेकअप के कंपटीशन को होस्ट करूंगी मैं। ओह गाइस देखिए ये दो ब्यूटीफुल जजेस आ गई और हमको होस्ट भी मिल चुका है। दादी सच में आप कमाल हो। सुस्वागतम। मैं लैला परवित और ललिता आप सबका मेकअप के कंपटीशन में स्वागत करती हूँ। मेरी एक तरफ है मनस बहू और दूसरी तरफ है बहू की चुए दोस्त। ये दोनों के बीच में होने जा रहा है मेकअप का कंपटीशन। जजेस से तो आप मिल चुके हो, मैं जजेस से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि वो इन दोनों को कोई मेकअप का टास्क दे। क्या टास्क दे इन दोनों को? मुझे ऐसा लगता है इनको कोई स्पेशल और खास टास्क देना चाहिए, थोड़ा हटके। जल्दी जल्दी दो, हमें बाकी भी काम है घर में, आपके जैसा फ्री नहीं हम। आइडिया क्या? ये काफी अच्छा रहेगा। देखिए आप लोगों को तो बाजीराव मस्तानी मूवी पता ही होगी, उसमें दो पॉपुलर कैरेक्टर है, एक है काशीबाई और दूसरे है मस्तानी। हम ये चाहते हैं आप दोनों उन्हीं दो कैरेक्टर का लुक ले, यानी कि कोई एक बनेगा मस्तानी और दूसरी काशीबाई का। मैं बनूंगी मस्तानी, मैं काशीबाई करूंगी, मैं काशीबाई का लुक करूंगी। वैसे भी कहती है मुझे ये मैं प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखती हूँ। कभी दीपिका कभी प्रियंका और क्या क्या लगती है तू? मैं बताऊं क्या तुझे, तू असल में क्या लगती हो बताओ? नहीं नहीं पर ऐसे कपड़ों में लुक अच्छा नहीं आएगा, मैं चेंज करके आती हूँ। मैं भी आती हूँ चेंज करके। ये दोनों चेंज करने गई है, हम लेते छोटा सा मोटा सा ब्रेक। तुम हंसने पड़े तो ब्रेक है, हाँ ब्रेक। मैं सबसे हंसी तुम सबसे जवां सौंदर्य साबुन निर्मा सौंदर्य साबुन निर्मा। ओहो आ गई है, इधर की भी आ गई, उधर थोड़ा सा उधर हट। मम्मी तो ऐसे ही काफी खूबसूरत लग रही है, मेकअप करने के बाद तो कैसी दिखेंगी? वाओ मैंने आज तक मम्मी को कभी मेकअप में नहीं देखा। बिना मेकअप के भी आप काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। सही कहा तुमने। देखिए आपके पास अपना लुक करने के लिए पूरा 1 घंटा होगा, अगर 1 घंटे के बाद भी आपका लुक कंप्लीट नहीं हुआ तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मेरा मुंह मत देखो, शुरू हो जाओ। मेरी माँ भी बहुत अच्छा करती हुई बहुत। मम्मी जीतेगी, मम्मी मम्मी मामी 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 वाह। वैसे आपके चेहरे को देख के लगता है आपको मेकअप कुछ ज्यादा ही लगेगा, सरफेस बहुत बड़ा है ना। बालों का तो झाड़ू हो गया, कर कर जल्दी कर, मेरी तरफ मत देख, एक ही घंटा है। झाड़ू ने सफाई कर दी। वाह वाह क्या मेकअप चल रहा है, दोनों यहाँ पे मेकअप की धज्जियां उड़ाती हुई। ए मैनर्स लेस, आंखों का नहीं होठों का है वो। देखो सुनना ही नहीं है, इसी को कहते हैं अल्ट्रा मैनर्स लेस। लगता है जुबा केसरी की अगली एड में आप ही को लेंगे। ज्यादा मत खोल निकल जाएगा। दोनों लगाती हुई मेकअप, आहा हा।
हो गजरा लगाना शुरू है रे, इसका ज्वेलरी शुरू हो गया, जल्दी कर। और यहाँ पे फाइनल लुक आ चुका है मॉमी का। वाओ मॉमी बहुत खूबसूरत लग रही है। हो मस्तानी तैयार है। काशी भाई भी तैयार है। क्या बात क्या बात। किसकी तलवार पे सर रख दूँ बता दो मुझे। इश्क को करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। हीरे में हीरा हूँ तो उसे कहते हैं कोहिनूर। हीरे में हीरा हूँ तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते हैं काशी के चेहरे पे आता है नूर। जजेस आपकी राय क्या है इन दोनों के ऊपर? मुझे तो पसंद नहीं आई। शर्मिला जी मैं आपके काशी भाई के लुक को दूंगी 10 में से 8 नंबर। शर्वरी जी ने जानबूझ के मेरी मम्मी को कम नंबर दी। मैं आपके काशी भाई के लुक को दूंगी 10 में से पूरे 10। सुमित्रा जी मैं आपके मस्तानी के लुक को दूंगी 10 में से 8। मैं आपके मस्तानी के लुक को दूंगी 10 में से 10। अरे क्या ये तो ट्राई हो गया। होरी बाबा ये तो ट्राई हो गया। कोई बात नहीं, इसका ये अर्थ है ये दोनों जीत गए। अभी इन दोनों को ट्रॉफी भी देनी पड़ेगी है ना। एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से ट्रॉफी देती हूँ। दो दो विजेता है ना। और इनके ट्रॉफी